नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। गरियाबंद में बीती रात दो नाबालिगों के द्वारा मकान और दुकानों के छत पर चढ़कर चोरी के प्रयास करते समय पीसीआर और फोन के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मकान एवं दुकानों के छत पर चढ़कर भागते चोरों का पीछा कर एक चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिसमें पुलिस वालों के पैर भी जख्मी हो गए थे। इस घटना की जानकारी जैसे ही नगर के युवाओं के बीच पहुंची तो पुलिस की प्रशंसा करते हुए घटना की सूचना एसपी तक दी, जिस पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गरियाबंद सिटी कोतवाली पहुंच जवानों को शाल श्रीफाल व नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न नागरिक, व्यापारी एवं पत्रकार बंधु भी उपस्थित थे। दरअसल बीती रात लगभग 2 बजे दो नाबालिग युवक तिरंगा चौक के पास राजेश ज्वेलर के बाजू से लगे हुए एक घरेलू मकान पर के छत पर चढ़कर राजेश ज्वेलर के ऊपर चढ़ गए थे, जहां कुछ लोगों के द्वारा रात को देख लिए जाने के बाद जब उस घटना को पड़ोसियों को खबर की गई तो पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस के पीसीआर वैन को खबर की, जिस पर तत्काल घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद पुलिस जवान जब छत पर चढ़कर उन चोरों तक पहुंचे तो भागने लगे, जिस पर पुलिस वालों ने उन्हें छतों पर ही दौड़ाना प्रारंभ किया। इस फेरे में एक जवान के पैर पर काफी चोटें आई हैं। इसके बाद भी उस जवान ने दौड़कर एक चोर को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली तथा एक अन्य चोर भाग निकला, जिसके बाद उसे गरियाबंद थाना लेकर पूछताछ में उससे बताया गया कि तहसील कार्यालय के समक्ष उसने एक पान ठेला को ताला तोड़कर चोरी किया है और गुटखा पान निकाला है और दूसरी जगह चोरी करने यहां पहुंचे थे, जिस पर वे पकड़े गए हैं। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को मिली तो उन्होंने तत्काल गरियाबंद थाना पहुंचकर उन साहसी जवानों को शाल श्रीफाल व नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। कल रात को यहां पर कुछ घटना घटने की संभावना थी, क्योंकि कुछ अज्ञात लोगों ने मतलब वहां पर जो हमारा मेन जो प्लेस है यहां पर बाजार जगह है वहां पर जाकर ताला तोड़ने की कोशिश की और वहां पर कुछ घटना करने की फिराक में थे, तो वहां पर हम लोगों को व्यापारी वर्ग का फोन आया तो हमारी कोतवाली की टीम तुरंत गई और वहां पर सर्च किया तो 2 बालक मिले और उन लोगों का पीछा किया और 1 बालक को हम लोग यहां पर गिरफ्तार करके ले आए, थाने में ले आए। तो व्यापारी वर्ग यहां पर काफी ज्यादा खुश हुए और चूंकि हमारे पुलिस के जवानों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, रात के समय 2 बजे वहां पर गए और चोर को पकड़कर थाना लाए, तो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था और इससे मतलब पुलिस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। तो हमें ऐसे जवान जो अपना मतलब जो अपनी जो कार्य है समर्पण के साथ करते हैं उनको सम्मान करने की आवश्यकता है, ताकि अन्य जवान लोगों को भी एक प्रकार का प्रोत्साहन मिले और इस जो पुलिसिंग कार्य है बेसिक पुलिसिंग कार्य को ध्यान दें। इसीलिए आज हम लोगों ने इस व्यापारी वर्ग सभी लोगों के साथ में मिल करके अपने जवानों को हम लोगों ने सम्मानित किया है।